जुजुत्सु काइसेन एपिसोड नंबर 7। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स इटाडोरी, मेगुमी, नोबारा, पांडा, माकी, नानामी सभी लोग गोजो की तारीफ करते हुए कहते हैं गोजो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोजो करंट फाइट में बहुत सारी कर्स स्प्रिट को मार देता है, पर लगातार लड़ते हुए गोजो बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और उसके दोनों हाथ में कर्स स्प्रिट के सर होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि पिछले एपिसोड में गोजो खड़े होकर हानामी और जोगो की स्ट्रेटजी समझ चुका होता है। गोजो हानामी की तरफ देखते हुए कहता है ये हमारी तीसरी मीटिंग है तो मैं अब तक समझ जाना चाहिए था, मैं अब सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। ऐसा बोलते हुए गोजो हानामी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही जोगो गोजो पर हमला करता है, गोजो किसी साइको की तरह हंसते हुए जोगो का हाथ उखाड़ देता है और हानामी को एक तेज किक मारता है। हानामी सोचता है गोजो ने मुझे धमकी दी थी, पर ये तो हमला जोगो पर कर रहा है। गोजो जोगो का हाथ पकड़कर उसे तेजी के साथ दीवार की तरफ फेंकता है। हानामी सोचता है गोजो ने अपनी इन्फिनिटी टेक्निक हटा दी है और केवल कर्स टेक्निक के साथ लड़ रहा है। ऐसा करके गोजो भीड़ में भी अच्छे से लड़ सकता है। हानामी आगे सोचता है ठीक है, फिर हमें बस कर्स टेक्निक के साथ लड़ना है। ऐसा बोलकर हानामी अपनी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक हटा देता है और केवल कर्स एनर्जी का यूज करता है। जोगो हानामी को अपनी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक हटाने से मना करता है, पर तब तक गोजो हानामी पर हमला कर देता है और उसके सर पर से बने हुए सींगों को उखाड़ देता है और वो कहता है मुझे किसी ने बताया था कि ये सींग तुम्हारी कमजोरी है, मुझे लगा ही था तुम एम्प्लीफिकेशन टेक्निक और कर्स टेक्निक दोनों साथ में यूज नहीं कर सकते हो। हम देखते हैं कि सींग के उखड़ जाने के बाद हानामी दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। उधर जोगो सोचता है मैं केवल एम्प्लीफिकेशन टेक्निक की वजह से ही बचा हुआ हूँ। गोजो फिजिकल और कर्स दोनों ही एनर्जी में माहिर है। वो आगे सोचता है क्या कोई ऐसा काम नहीं है जो गोजो नहीं कर सकता हो। तभी तीसरी कर्स स्प्रिट गोजो पर हमला करती है, पर गोजो इन्फिनिटी ऑन कर लेता है और उसके अटैक से बच जाता है। गोजो आगे सोचता है ये कोई कर्स स्प्रिट नहीं है, ये जरूर किसी मरे हुए इंसान की बॉडी है, पर किसी ने इस पर कर्स टेक्निक यूज करी है जिसे डेथ पेंटिंग बोलते हैं। गोजो कहता है इससे मुझे कोई खतरा तो नहीं है, पर मुझे ये बार बार परेशान कर रहा है। हम देखते हैं तभी जोगो और हानामी एक साथ पीछे से गोजो पर हमला करते हैं। तभी टनल की लाइट भी चली जाती है। गोजो हमले को अपनी इन्फिनिटी से रोक देता है। गोजो कहता है तुम लोग जितना एम्प्लीफिकेशन यूज करके मेरी इन्फिनिटी को रोकने का ट्राई करोगे मैं उतने ही पावरफुल टेक्निक यूज करके उसे और बढ़ाऊंगा। ऐसा बोलकर गोजो जोगो के पेट पर हमला करता है जिससे जोगो थोड़ा दूर हो जाता है। इसके बाद गोजो हानामी पर अपनी कर्स टेक्निक से जोरदार हमला करता है जिससे हानामी दीवार में घुस जाता है। इसके बाद गोजो लगातार अपनी कर्स एनर्जी से हानामी को जोर जोर से दीवार पर प्रेस करता है। जोगो एक बार को हानामी को बचाने की सोचता है, पर वो गोजो से डर जाता है। हम देखते हैं कि गोजो के हमले से हानामी मर जाता है। गोजो एक साइको की तरह जोगो को देखते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि गेटो, जोगो, हानामी और माहितो गोजो को सील करने का प्लान बना रहे होते हैं। गेटो बताता है प्रिजन रेल्म एक बैरियर है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो प्रिजन रेल्म सील नहीं कर सकता हो। प्रिजन रेल्म के गेट खुलने के बाद जो भी चीज उसके 4 मीटर के दायरे में होती है वो उसके अंदर सील हो जाती है। गेटो आगे कहता है हमें गोजो को 1 मिनट तक 4 मीटर के अंदर रखना होगा। ये सुनकर जोगो भड़क जाता है और कहता है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि हम लोग ये काम करने वाले हैं। जिस पर गेटो कहता है ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा, बस 1 मिनट की तो बात है, हम वापस से फाइट पर आते हैं। जोगो खुद को बचाकर गोजो से दूर भाग रहा होता है। जोगो कहता है मैं हानामी की कुर्बानी बेकार नहीं होने दूंगा, मैं लोगों की भीड़ में छुपकर गोजो पर हमला करूंगा। जोगो आगे तीसरी कर्स स्प्रिट चोजो को आवाज लगाता है और कहता है मेरी हेल्प करो वरना गोजो से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद चोजो गोजो पर हमला करता है, पर उसका हमला गोजो की इन्फिनिटी से टकरा कर रुक जाता है। गोजो आगे सोचता है चोजो छुप कर ही हमला कर रहा है, जरूर इसकी कर्स एनर्जी खत्म होने वाली है। इसके अलावा मैंने सोचा था कि मेरे आसपास के लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं, इससे मेरे आसपास की जगह खाली होगी और मैं आसानी से जोगो को मार दूंगा। पर जोगो ये बात समझ चुका है,
और वो मुझसे दूर भाग रहा है। अगर चोजो और जोगो ने मिलकर एक बड़ा अटैक किया तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इसके बाद गोजो कहता है, मुझे माफ करना पर मैं सभी लोगों को बचा नहीं सकता हूँ, पर मैं इन सभी कर्स स्प्रेड को जरूर मार दूंगा। जोगो छुपते हुए सोचता है, अब तक तो 20 मिनट हो चुके होंगे, क्या प्रिज्म रियल्म अब तक रेडी नहीं हुआ है? हम देखते हैं कि टनल के बीचों बीच गेटो बैठा होता है। वो कहता है, गोजो अभी थका हुआ नहीं है, अभी तो और टाइम लगने वाला है, हमें गोजो को अभी और थकाना है। अगले सीन में हम मेजी जिंगू स्टेशन की तरफ जाते हैं, जहाँ पर इटाडोरी मे और उई होते हैं। इटाडोरी स्टेशन पर बैठे एक इंसान की तरफ जाता है। इटाडोरी उससे पूछता है, क्या हुआ? जिस पर वो इंसान बताता है कि उसने कहा था तुम्हारे लिए ट्रेन में जगह नहीं है और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया है। ऐसा कहकर वो इंसान मॉन्स्टर में बदल जाता है और जमीन पर जा गिरता है। इटाडोरी कहता है, जरूर ये महितों का काम है। हम आगे देखते हैं कि जहाँ पर गोजो लड़ रहा होता है वहाँ पर एक ट्रेन आती है जिसके अंदर बहुत सारे इंसानी मॉन्स्टर भरे हुए होते हैं। ये देखकर जोगो खुश हो जाता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है उसमें से बहुत सारे ह्यूमन मॉन्स्टर निकल कर आते हैं जो लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर गोजो थोड़ा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के साथ माहितो भी वहाँ पर आ जाता है और गोजो पर हमला करता है, पर गोजो बड़ी ही आसानी से बच जाता है। गोजो सोचता है, क्या ये वही कर्स स्प्रेड है जिसके बारे में इटाडोरी और नानामी बात कर रहे थे? तभी हम देखते हैं कि स्टेशन की सीलिंग से बहुत सारे इंसान नीचे गिरने लगते हैं। इसके बाद माहितो और चोजो दोनों अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके बहुत सारे इंसानों को मार देते हैं। ये देखकर गोजो एकदम चौंक जाता है। माहितो सोचता है, मुझे पता है कि गोजो इटाडोरी की तुलना में बहुत ज्यादा कोल्ड इंसान है। शायद गोजो ने सोचा था कि मैं अपना डोमेन अनलिमिटेड वॉइस यूज करके सारे कर्स को मार दूंगा, पर इससे कुछ इंसान मरेंगे, पर ठीक है। लेकिन अब इतने ज्यादा इंसान मर चुके हैं तो गोजो तुम्हारे दिमाग में अब क्या चल रहा है? जोगो सोचता है कि गोजो तुम अब क्या करोगे? क्या तुम अब भी अपना डोमेन कास्ट करके सभी इंसान और हमें मार दोगे? मुझे पता है तुम ये नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम खुद भी एक इंसान ही हो और तुम उन्हें नहीं मारना चाहते हो। जोगो गोजो से कहता है, ऐसे ही और फोकस करो लोगों को बचाने के लिए और खो जाओ अपने ध्यान में। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोजो अपना डोमेन कास्ट करता है। ये देखते ही माहितो और जोगो दोनों की फट जाती है। गोजो 0.2 सेकंड के लिए अपना डोमेन कास्ट करता है जिससे नॉन कर्स यूजर्स पर कोई असर ना पड़े, और अगर असर पड़े तो कम से कम हो। हमें बताया जाता है कि गोजो के डोमेन की वजह से नॉन कर्स यूजर्स की 1.5 इयर्स की मेमोरी चली जाती है और सभी के सभी 2 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं। गोजो सोचता है शायद स्पेशल ग्रेड कर्स पर इसका ज्यादा असर ना हो, इसीलिए गोजो पहले इंसानी मॉन्स्टर को मारने का सोचता है। उसके बाद गोजो अपना डोमेन हटाकर 299 सेकंड्स में टोटल 1000 मॉन्स्टर ह्यूमन को मार देता है, पर इसकी वजह से गोजो बहुत ज्यादा थक जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोजो के सामने एक कर्स ऑब्जेक्ट पड़ा होता है जिसे देखकर गोजो चौंक जाता है और वहां से जाने लगता है। हम आगे देखते हैं कि वो कर्स ऑब्जेक्ट एक कर्स में बदल जाता है जिसके पास गेटो खड़ा होता है। गेटो बड़े ही प्यार से गोजो को बुलाता है। अपने दोस्त को जिंदा देखकर पहले गोजो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद गोजो उस पर बिलीव कर लेता है और लगातार अपने दोस्त की मेमोरीज को याद करने लगता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर गेटो कहता है, मुझे बस गोजो के दिमाग का 1 मिनट चाहिए। आगे प्रिजन रियल्म का कर्स गोजो को पकड़ लेता है। गोजो सोचता है, मैं अपनी कर्स एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या सब खत्म हो गया है? गेटो गोजो से कहता है, गोजो तुम्हें बीच लड़ाई में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था। गोजो गेटो पर चिल्ला कर कहता है, तुम्हारी कर्स एनर्जी को देखकर मेरी 6 आइज कह रही थी कि तुम गेटो हो, पर मेरी आत्मा कह रही थी तुम कोई और हो, आखिर तुम हो कौन? इसके बाद गेटो अपने सर पर लगे हुए टांकों को खोल देता है और उसका ब्रेन निकल आता है। वो आगे बताता है कि एक ऐसी कर्स टेक्निक है जिसका यूज करके किसी की भी बॉडी यूज की जा सकती है। जब तक मेरा ब्रेन सही चल रहा है मैं जिसकी भी बॉडी यूज करूंगा उसकी कर्स टेक्निक भी यूज कर सकता हूँ। वैसे शायद तुमने सोको लेरी को बोला था कि गेटो की बॉडी को ठिकाने लगा दो जिसकी वजह से मुझे ये बॉडी मिल पाई है और तुम मेरे जाल में फंस गए हो। इसके बाद गेटो अपने सर के टांगों को वापस से सिल लेता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, ये सील शायद 100 सालों में टूट जाएगी या फिर 1000 सालों में टूटेगी, तब तक मैं अपना मकसद पूरा कर लूंगा। ये सुनकर गोजो हंसते हुए कहता है,
क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारी बॉडी को अच्छी तरह से ढोने से पहले जिसने तुम्हें हराया था वो मेरा ही स्टूडेंट था, यूटा ओकोत्सु। जिस पर गेटो कहता है, मुझे नहीं लगता उस लड़के में कुछ खास है। उसकी अनलिमिटेड कर्स एनर्जी और दूसरों की पावर को कॉपी करने की टेक्निक तो उसकी दोस्त की कर्स एनर्जी की वजह से ही थी। वैसे भी वो दूसरा सटोरू गोजो नहीं बन पाएगा। गुड नाइट गोजो, अब हम मिलेंगे नई दुनिया में। अगले सीन में हम देखते हैं कि इटाडोरी के पास एक मैसेज जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि सटोरू गोजो को सील कर दिया गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो गया है।